करना चाहा। उसने सोचा कि मैं इसको समाप्त कर देना चाहता हूँ। उसके बाद इब्राहिम की आंखें जो थी वो बहुत ही लाल थी। जो इब्राहिम गार्डी थे वो उसको देखना पसंद नहीं करते थे। फिर अब्दाली ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी वध करने की योजना बनाई। ठीक है, फिर अब्दाली ने सही कहा, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा है कि जो कष्ट हम दे रहे हैं वह इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा है। अब्दाली ने फिर क्या कहा, क्या सोचा कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। उसने अपने टीले के ऊपर ही उसको मंगवा लिया था। टीले के ऊपर एक कमरे में उसको रखा गया था। अंत में काटने पर इब्राहिम की चीख निकली और उसके इब्राहिम की मुख से चीख से फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गांधी के मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, अल्लाह। क्या शब्द निकला उसके मुख से? अल्लाह। तो अल्लाह, तो जैसे हम भगवान बोलते हैं भगवान, ऐसे ही जो मुसलमान लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं भगवान को? अल्लाह बोलते, अल्लाह कहते हैं। सन 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए। मराठों का सेनापति इब्राहिम गार्दी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के कारण पकड़ लिया गया। उस युद्ध में अवध का नवाब सुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ा। घायल इब्राहिम गार्दी को सुजाउद्दौला के टीले में जो अफगाना शाह अब्दाली की छावनी के भीतर था उसमें पकड़कर रख लिया गया। अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने और सुजाउद्दौला के टीले से होने का समाचार उसको मिला, इसलिए उसने इब्राहिम को अपने सामने पेश करने के लिए सुजाउद्दौला के पास क्या भेजे? दूत भेजे। ये लाइन आपने लर्न करनी है। सुजाउद्दौला इब्राहिम गार्दी की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, इब्राहिम गार्दी काफ़ी घायल हो गया है, अच्छा हो जाने पर पेश कर दूंगा। दूत ने अपने शाह का आग्रह प्रकट किया, उसको हर हाल में इसी पल जाना होगा। सुजाउद्दौला का प्रतिवाद अक्षण पड़ गया, फिर भी उसने कहा, इब्राहिम मराठों के 10,000 सिपाहियों का सेनापति था, इस समय वह घायल हुआ पड़ा है, कम से कम उस वक्त को उसे नहीं बुलाना चाहिए। दूत नहीं माना, उसको अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। सुजाउद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह के सामने इब्राहिम गार्दी को लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों की 10 पलटनों के जनरल थे? उसने उत्तर दिया, हाँ था। तुम फ्रांसीसियों के नौकर थे? जी हाँ, हैदराबाद ने निजाम के यहाँ नौकरी करी। सही है, तुम निजाम की नौकरी क्यों छोड़ दी? क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया था। तुमने फिरंगी जबान पढ़ी ही थी? जी हाँ, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक जो कुछ भी तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला, तौबा और शर्म, आप क्या कहते हैं? अफगाना साहब, आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं उस पर जान देने वालों को तौबा करनी चाहिए, और क्या उसके लिए सिर नीचा करना पड़ता है? जानते हो तुम इस वक्त किसके सामने हो और किससे बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर वाणी में कहा। जानता हूँ, और मैं भी जानता होता तो जान जाता, पर यह यकीन है कि आप खुदा के फरिश्ते नहीं है। इतनी बड़ी फतेह के बाद मैं गुस्से को अपने आप नहीं आने देना चाहता। मुझे ताजुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते कि मुसलमान कहते किसको है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझको मालूम हुआ कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी सागिर्दी में ही तुमने यह सब सीखा है, मतलब कि उनके साथ रहकर ही। क्यों, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा पांचों वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में वध की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जवान से नमाज पढ़ते होंगे। इब्राहिम के घाव की पीड़ा दबाते हुए, खुदा अरबी फारसी पश्तो जबान को ही समझता है, क्या वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुद राम नहीं, और क्या राम और रहीम
अलग अलग हैं। अहमद शाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा, बोला, क्यों प्रूफ बकता है, तोबा करो, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसे स्तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो नहीं होंगे, इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर में अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई। शख्स सोचने के बाद वह बोला, अच्छा तुमको तोबा करने के लिए वक्त देते हैं, तोबा कर लो या तुम मुझे छोड़ दो, अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे, तुम फिरंगी तरीके पर कुछ दस्ते तैयार करना। करहा के दबे हुए इब्राहिम में ओठों पर जिनी हंसी आ गई। अहमद शाह उस खिलवाड़ को इब्राहिम समाप्त करना चाहता था। उसने कहा, अगर छूट जाना तो पुना में भी फिर पलटने तैयार करूँगा, फिर इसी पानीपत के युद्ध में अब अरमानों को निकालूँगा, जिनको आज निकालने पाया, जो मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। अब समझ में आया, तुम असल में बुत परस्त हो। जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम में ऐसे बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसा हुआ हो, ख्याल में मीठा, जिन बुतों को बहुत से लोग पूजते हैं और आप भी, मैं उनको नहीं पूजता। हर तंबू के सामने मेरे मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर, इधर गुरद आपके पठान और रूहेले सिपाही नाच नाच कर जश्न मना रहे हैं, वह सब क्या हैं? क्या वह बुत प्रस्ती नहीं हूँ? तुम बद जवान हो। जो बद जवान होता है वो क्या होता है, मतलब कि उसको उसकी कोई जुबान ही नहीं है। तुम्हारा भी वही हाल किया जाएगा जो तुम्हारे सदाशिव राव भाऊ का हुआ, चकित इब्राहिम के मुंह से निकल पड़ा। क्यों, उनका क्या हुआ? उत्तर मिला, मार दिया गया, सिर काट लिया गया। उफ, घायल इब्राहिम के दोनों हाथों से सिर थमाकर कहा। अब्दाली को उसकी पीड़ा रुचि, बोला, तुम लोगों का वह खूबसूरत हो छोकरा विश्वास राव भी मारा गया। इब्राहिम की बुझती हुई आंखों के सामने और भी अंधेरा छा गया। उसने कुपित स्वर में कहा, विश्वास राव मेरे मुल्क का ताज, मेरे सिपाहियों के हौसले का ताज है। उफ, इब्राहिम गिर पड़ा। अहमद शाह उसके तड़पने पर प्रशंसा थी कि निर्मलता से सोचा, शहीदी को जीत लिया। इब्राहिम जरा सा उठकर संभालते हुए स्वर में बोला, पानी अब्दाली कड़का, पहले तोबा कर। जहाँ के तहाँ पकड़कर इब्राहिम ने कहा, तोबा, शहीद भी कहीं भी तोबा करता है, तोबा करे वे लोग जो कैदियों घायलों और नियतों पर कत्ल करते हैं। अब्दाली से सहा नहीं गया, इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। इब्राहिम ने उसके टुकड़े टुकड़े करके वध करने की आज्ञा ली। एक अंग काटने पर इब्राहिम की चीख से निकला, मेरी ईमान पर पहली नियाज। दूसरे क्षण स्वर में निकला, अक्षनोतक पल, हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी में ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो वहिशियों और जालिमों का नामो निशान मिटा देंगे। और फिर अंत में मराठों के सेनापति इब्राहिम गार्दी के मुख से केवल एक शब्द निकला, अल्लाह, जिसको फरिश्तों के पंखों और इतिहास के पन्नों से सावधानी के साथ छिपा लिया गया। तो बेटा ये आपका लेसन है, आपने इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है।